जाओ सर, आ जाओ आ जाओ, क्लास शुरू करें। आप विकास कल से छुट्टी पे हैं, आज भी नहीं है और वो आ रहे हैं रास्ते में, तो ये ऐप पे पहुंच जाएगी क्लास, आप लोग टेंशन ना ले बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहीं पढ़ाना पड़ेगा, कल इसी चक्कर में क्लासेस देखी हो पाई थी जो यूट्यूब की थी। ऐप पे ये पहुंचवा दूंगा मैं, और आप लोग आइए और क्लास को शुरू करें। कमस मिल्टन का जो अगला हमारा मास्क है, मास्क 16वीं और 17वीं शताब्दी में एलिजाबेथन एज में लोगों के सेलिब्रेशन करने का एक तरीका था, और उस तरीके में दरबारी लोग ही भाग लेते थे, अटेंडेंस जो उसमें होते थे, जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, जो कलाकार होते थे, जो कमर्स में एंटरटेनमेंट के लिए उसमें भाग लेते थे, वो सभी राजसी राज दरबार से ही रिलेटेड लोग होते थे, उसको कमर्स कहा जाता था। तो सॉरी, उसको उसको मास्क कहा जाता था। तो मास्क है ये, एक कमस एक मास्क है, और कमस एक प्रकार की एक राक्षस है, एक एक प्रकार का बुरा जानवर है जो आधा शरीर से मानो है और आधा चुड़ैल जैसा है। ये देखिए चेहरा इसका बना हुआ है, भूत जैसा है, भूत कह सकते हैं आप इसको। तो ये बहुत ही सुंदर सी रचना है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और मिल्टन की विधा को पोएट्री पर उनकी कितनी पकड़ थी, इस बात का ये सबसे बड़ा सबूत है ये कमस। तो आ जाइए सब लोग और चलें क्लास को शुरू करें, बाकी लोग बाद में देख लीजिएगा। ये कमस, ये ग्रीक मैथोलॉजी में ये गॉड ऑफ फेस्टिविटी वैसे माना जाता है, और नॉक्चुरल रोमांसेस के लिए फेमस, रात्रिकालीन रोमांसेस के लिए ये कप बियरर, डॉग ऑफ गॉड ऑफ डियोनिसस, गॉड ऑफ डियोनिसस का ये पुत्र है, इनको कप बियरर भी कहा जाता है। इसके पिता को, गॉड ऑफ डियोनिसस को कप बियरर भी कहा जाता है, यानी शराब का देवता उसको कहा जाता है। तो मास्क ऑफ कमस, ट्रायंफ ऑफ वर्च्यू इसका दूसरा नाम है, जीत गुड़ की। कमस और द लेडी के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसकी चेस्टिटी को लेकर के, उसकी पवित्रता को लेकर के, अपनी पवित्रता को नहीं खोना चाहती और आखिरी दम तक उसके, इस बात को वर्चुअली प्रेजेंट किया जाता है और हम उसको फिजिकली महसूस करते हैं इस वर्ल्ड में, इस संसार में। आज भी ऐसी कहानियां आपको देखेंगी कि शैतान आपको प्रेरित करता है बुरे काम करने के, बुरा बनने के, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको, ताकि आप शैतान के सामने, उसके गलत कार्य का सामने, गलत कृत्य के सामने नहीं, तो रिप्रेजेंट करती है। ये वर्चुअल कहानी है, लेकिन ये एक मैथोलॉजिकल कहानी है, जिस संस्कृति में कहानियां हैं, राम की कहानी मैथोलॉजी है हमारी, हमारे धर्म से रिलेटेड है और हमारे हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, उसकी कहानियां हैं जिनमें हमारी मान्यता है, जिनमें हम विश्वास करते हैं, ऐसी ही कहानी है कमस नाम के राक्षस की। ये कमस, इनका जो प्रेजेंटेशन था, ये 1634 में इन्होंने लिखा था इसको, और ये परफॉर्म किया था लडलो कासल में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो इसका डेट याद रखना है आपको, ईयर याद रखना है आपको, इसको समय बड़ा कर दे। मास्क ऑफ कमस, द ट्रायंफ ऑफ वर्च्यू, द मास्क ऑफ कमस इज इन मेनी रेस्पेक्ट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ मिल्टन्स पोएम्स, मिल्टन की सबसे परफेक्ट पोएम्स में से इसको माना जाता है हमेशा। इट वाज रिटन इन 1634, जैसे कि मैंने बताया 1634 में लिखी गई थी, टू बी परफॉर्म्ड एट द लडलो कासल, कासल माने किला होता है, लडलो किला में इसको परफॉर्म करने के लिए लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था पहली बार। अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, तो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के कब्जे में था और वो शासक थे वहां के, एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके साथी, इस साथी जो थे, ये सब लोग लडलो कौशल में उपस्थित थे जब इसको रिप्रेजेंट किया गया। देयर इज अ ट्रेडिशन, एक परंपरा थी, मैथोलॉजिकल कहानी थी, दैट द अर्ल ऑफ थ्री अर्ल्स थ्री चिल्ड्रन हैड बीन लॉस्ट इन द वुड्स। एक राजा था, अर्ल था, वहां का सामंत था, और उसके तीन पुत्र और पुत्रियां, यानी दो पुत्र और एक पुत्र, जंगल में खो जाते हैं। टू ब्रदर्स अ सिस्टर लेड एस्ट्रे बाय नाइट इन द फॉरेस्ट, द गर्ल इज टेकन कैप्टिव बाय कमस। और इस तरह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं, एक साथ खो जाते हैं, और वह बहन जो उनकी होती है वो एक साथ अलग हो जाती है, और रात्रि के अंधेरे में वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं, दो, ये कहा कि दो एक साथ थे और वो बहन उसकी
और फिर वो कैप्टिव कर ली जाती है, कैप्चर कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है कमस के द्वारा, जो कि एक राक्षस था, हाफ विस्टाइल क्रिएचर था वो, अर्ध मानव था, आधा पैर से चलता था और ऊपर का शरीर उसका जानवर जैसा था, तो हाफ विस्टाइल क्रिएचर था, whom he has transformed, जिसको उसने बदला हुआ था। He attempts to work upon her the same transformation, वह मानवों को पकड़ कर ले जाता था और उनको ट्रांसफॉर्म करके अर्ध मानव में बदल देता था, अपने जैसा ही हाफ बी स्टाइल बना देता था, आधा मानव आधा जानवर, और उसको भी वह उसी लिए पकड़ कर ले गया था। टेकन अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन he resist his effect, refusing yield to temptingness, जो लालच वो दे रहा था बार बार, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, हम लोग मिलके जहां लूट लेंगे, प्राण की तरह वो उसको एल्योर कर रहा था, उसको मना रहा था, अपने अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, टेम्पटेशन उसको दे रहा था, लालच उसको दे रहा था, और उस पर वह बिल्कुल रेजिस्ट कर रही थी, किसी प्रकार का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रही थी। एंड इज नॉट रेस्क्यूड बाय हर अंटिल सी इज नॉट रेस्क्यूड, द लेडी वाज नॉट रेस्क्यूड बाय हर ब्रदर्स एंड अटेंडेंट स्पायर, स्पायर वहां पर एक अटेंडेंट स्पायर की आत्मा भी होती है जो उन भाइयों का, उसके भटके हुए भाइयों को खोज निकालती है, और भाइयों के साथ मिल करके कमस को मार कर उस लेडी को जब तक छुड़ा नहीं ले जाती तब तक वह उसको लालच देता रहता है और वाद विवाद होता रहता है। वो अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी, अपनी चेस्टिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, ग्रेटनेस को बताती है उसकी, और अपनी ताकत को सामने रखती है। फिजिकली वो कैप्चर्ड थी लेकिन मेंटली वो आजाद थी, और पूरी तरह से मानसिक रूप से दृढ़ होकर के वो कमस की बातों का जवाब देती है, उसकी नेगेटिव बातों को अपनी पॉजिटिविटी से आंसर करती है। अभी स्टार्ट हुई है बेटा क्लास, है आ जाओ बे, बैठो आराम से, आदाब है सबको, सबको आदाब, सबको नमस्ते। कमेंट किया था लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी आज फ्रेश हो गए, कल क्लास नहीं लिए थे, दो दिन आराम ही कर रहा था मैं थोड़ा सा, तो अभी मैं ठीक हूँ और बढ़िया क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्लास लेते तो मुझे बतियाओ नहीं। वो टेक्स द गिव्स ऑफ हिज फादर, और वो अटेंडेंट स्पायर जो होता है वो गडरिये, उसके पिता का भेजा हुआ गडरिये के रूप में अपने को प्रेजेंट करता है और कहता है मैं तुमको तुम्हारी बहन से बताऊंगा और उसको छुड़ाने का और कमस को मारने का तरीका भी बताऊंगा। द गर्ल इज सेव्ड, आखिरकार वो लड़की बचा ली जाती है और गुण के, उस लड़की के गुण की ताकत की जीत होती है। बिल्कुल पुरानी फिल्मों जैसे हमारे यहाँ प्राण जो है किसी लड़की को उठा ले जाता था, तो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दोनों जाते थे और उसको मार मार करके और फिर उसको अपनी बहन को छुड़ा लाते थे, जस्ट लाइक दैट। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे कि हमारी फिल्मों में होती। हाँ, मैं बढ़िया हूँ, चलो, गुड ओवर एविल, और इस तरह से एटर्नल ट्रायंफ ऑफ गुड ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, इज प्रोक्लेम्ड, और ये बात बिल्कुल घोषित हो जाती है बाय द अटेंडेंट स्प्राइट के द्वारा। और ये बात कहानी जो है, ये कहानी जो है उसी के द्वारा बताई जाती है, अटेंडेंट स्प्रिट के द्वारा बताई जाती है। हू हैज प्रोटेक्टेड द इनोसेंट इन हिज इन दिस लाइफ, तो जिसने उस इनोसेंट को उसके जीवन से बचाया था, जीवन को बचाया था। हु नाउ डिसअपीयर्स फ्रॉम मॉर्टल साइड टू रिज्यूम लाइफ, तो आनंद पूर्वक अपने जीवन जीने के लिए। ये कहानी कुछ इस तरह से है। अभी इसकी मैं समरी वगैरह सब कुछ बताऊंगा, इसका डिस्कशन करूंगा, इसकी थीम बताऊंगा, सारी बातें होंगी, और फिर आपको पढ़ने के लिए ढेर सारा टेक्स्ट दे दूंगा। देखिए टेक्स्ट बहुत लंबा है, पढ़ाया नहीं जा सकता, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन इतना आसान लिखा है वो कहानी की तरह, जैसे मैं कहानी बताऊंगा वैसे ही टेक्स्ट है उसका। मैं थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगा आपको कितनी आसानी से आपके समझ, पढ़ा उसको और बढ़िया आराम से आप पढ़ते चले जाओगे और मीनिंग। कुछ स्पेलिंग इधर उधर है, क्यों? क्योंकि वो उस समय की इंग्लिश थी, अभी बहुत ही ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाइड हो गई इंग्लिश, तो अब स्पेलिंग थोड़ा अलग है, लेकिन वो एग्जैक्ट जो लिखी गई थी वही है। ठीक है ना, हाँ, क्या स्मार्ट लग रहे हैं, नाला नजर लगा दो तो हमको बस। और विच डिस्प्ले मिल्टन्स हाई पोटेंशियल क्वालिटी, यह पोएम खास तौर से जानी जाती है उसकी, मिल्टन की हाई पोटेंशियल क्वालिटीज की, तो संभावित गुण थे उसके अंदर, मिल्टन के अंदर पोएट्री को लेके उनके, उनको यह रिप्रेजेंट करती है, उनको यह रिप्रेजेंट करती है। और यह पहला मिल्टन की पोएम थी, पहली मिल्टन की पोएम थी वेयर प्यूरिटनिज्म, प्यूरिटन आप जानते हो जो प्रजातंत्र का समर्थन करने वाले लोग थे, वो प्रजातांत्रिक समर्थन वाले प्यूरिटन कहलाते थे।
शोज क्लियर साइन ऑफ इट सेल्फ, और पूरी तरह से इस पर प्रभाव दिखता है प्यूरिटानिज्म का। द हीरोइन ऑफ कमस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी, उसकी जो हीरोइन है कमस की वह शुद्धता और 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 पवित्रता, ये सब नहीं, शुद्धता और पवित्रता की मिसाल है, प्रतीक है उसका। हु इज अबव द इंटरप्रिटेशन, जो किसी प्रकार के लालच में नहीं पड़ती है। ऑफर्ड बाय द लस्टफुल मैजिशियन, उस कामुक, लस्टफुल माने फुल ऑफ सेक्स, कामुक व्यक्ति, उस कामुक मैजिशियन कमस से वह बचती है और आखिरकार कमस मारा जाता है और गुण की जीत होती है। हु मेक्स अटेम्प्ट्स टू हर वर्च्यू। हेलो, हाय हेलो न करो, पढ़ाई करो चुप्पे। चलो ठीक है, तो चले शुरू करें, समरी समरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से कहानी को समझिएगा। वैसे एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया है। अर्ल के तीन संतानें तीनों जंगल में खो जाती हैं, दो भाई अलग खो जाते हैं और एक बहन अलग खो जाती है। वह बहन एक गुफा में कैद करके ले जाई जाती है कमस नाम के राक्षस के द्वारा, मजीशियन के द्वारा, जादूगर के द्वारा, जो इंसानों को पकड़ करके अर्ध मानव जानवर अपने जैसा बना करके गुफा में कैद कर देता था। जब वहां जाती है तो देखती है एक और वहां पर चुड़ैल रूपी अर्ध मानव कैद था, यानी वो भी कोई लेडी ही थी जो वहां पर कैद थी, वो भी यह भी अपने आप को वहां जंजीरों में जकड़ी पाती है। और फिर कमस के साथ वार्तालाप होता है, लंबा वार्तालाप होता है गुण और अवगुण को लेकर के। वह अपने टेम्पटेशन में उसको बताने की कोशिश करता है, वह अपनी चरित्र की मजबूती के द्वारा उसको बराबर जवाब देती है रावण और सीता की तरह, और इस तरह वार्तालाप होता रहता है। उधर एक अटेंडेंट स्प्रिट होती है जो इससे चोट खाई हुई होती है और गुड एंजल के रूप में यहाँ परफॉर्म की गई, जो ईश्वर के द्वारा हीरो की मदद करने के लिए भेजा जाता है। तो हीरो की मदद करने के लिए जो दो हीरो थे, दो भाई थे जिनकी वो बहन थी, वो दोनों हीरो को मदद करने के लिए वो एंजल अटेंडेंट स्पिरिट कहा गया उसको, अटेंडेंट कहा गया उसको, तो वो उनका साथ देती है और कमस और बताती है कि चलो कमस को मारते हैं तीनों मिलकर के। और वो तीनों मिलकर के कमस को मारने के लिए जाते हैं, कमस को मारकर अपनी बहन को छुड़ा लाते हैं और इसके बाद वह नाटक खुशी के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा विनीत, आप लोग बहुत मेहनत करते हो मेरी तरह ही, सारा दिन गले में रहते हो, गले के काम काज निपटाते हो, उसके बाद तुम तैयारी करते हो, मैं तो घर आराम करता हूँ ज्यादा, तो इसके बाद तुम्हें आराम ही करता हूँ। लेकिन मेरी और आपकी उम्र में भी बहुत फर्क है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ और आप अभी माशाल्लाह जवान हो, है ना, जब नौकरी मिल जाएगी तो आप भी बुढ़ा हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी बुढ़ापे में मिलेगी, लेकिन महसूस बुढ़ा करने लगोगे। कमस अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल, लडलो कासल में प्रेजेंट किया गया एक मास्क है। मास्क एक प्रकार के सेलिब्रेशन का तरीका है जो 16वीं शताब्दी में फेमस था, एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में बहुत ज्यादा फेमस था, लोग सेलिब्रेट करते थे मास्क के द्वारा। मास्क एक प्रकार का सेलिब्रेशन का तरीका है जो नाटक रूपी में खेल करके लोग मास्क को परफॉर्म करते थे और अच्छाई की बुराई पर जीत के साथ उसको जाते हुए समाप्त करते थे, तो मास्क कहा जाता है। और ये यहाँ कमस एक प्रकार का मास्क ही है। कमस एक राक्षस का नाम था और उसी राक्षस के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये पहली चीज आप देख रहे हैं, इसमें किसी हीरो को नहीं बल्कि शैतान को हीरो बनाया गया है, यानी टाइटल जो है वो शैतान का है क्योंकि उसी पर सब कुछ बेस्ड है। वॉइस कहाँ चली जाती है नालायक, वॉइस कहाँ चली जाती है, बढ़िया आवाज धमाकेदार आ रही है। शैतान को हीरो बनाया गया, कहाँ आवाज चली जाती है, कहाँ चली जाती है, वॉइस कहाँ चली जाती है नालायक, और सुन लो नालायक, वॉइस कहाँ चली जाती, बढ़िया आवाज धमाकेदार, 10,000 के माइक लगाए तब बता रहे आवाज चली जाती है नालायक। चलो ठीक है, अरे वॉइस देख तो रहे और कैसे वॉइस देखे, यूट्यूब पर हो रही विकास सर नहीं है, तुम जान गए, साउंड प्रॉब्लम नहीं तो है हमारे, इसमें कहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रही है आवाज, ये क्या बोल रहा है ये आवाज इसमें, अरे वॉइस देख तो रहे और कैसे वॉइस देखे, ऊपर हो रही विकास नहीं है, तुम जान गए,
साउंड प्रॉब्लम नहीं तो है, हमारे इसमें कहा है ये क्या हो रहा, कहां साउंड ये क्या आ रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं तो आ रही बेटा आवाज, तुम तंग न करो हमको यार, तुमको तंग न करो तुम फालतू में। कॉलर पे ही तो लगाए हैं, और कहाँ लगाए नाला की, देखो यहाँ कॉलर को हम वो लगा ले, कार वो माइक्रोफोन है इतना थोड़ी, वहां मुंह में लगा ले इसे। नहीं है भाई साहब, मार खाओगे अभी। चलो तो मास्क, मास्क है कमर से, मास्क है लडलो कासल में, ये नाम याद करवा दूंगा इतनी बार बोलूंगा मैं यहाँ क्लास में। लडलो कासल में परफॉर्म किया गया था और 1634 में इसे परफॉर्म किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक निश्चित, अब हम तेज चिल्लाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से एक बिल्कुल निश्चित है। इज अ वर्क बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, इट वॉज इनिशियली प्रेजेंटेड एट द सेलिब्रेशन ऑफ जॉन एगर्टन द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। जॉन एगर्टन के समक्ष ये ब्रिजवाटर के जो अर्ल थे, राजा थे, उनके समक्ष ये प्रस्तुत किया गया। बीइंग गिवन द पोजीशन एट लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, और उनको किया गया था पदवी लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनाया गया था इसी खुशी में। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637, 1637 में ये पहली बार एनोनिमसली छापा गया था, यानी कोई इसका रचयिता नहीं लिखा गया था वहां। बाद में ये 73 और 75 में पोएम्स के कलेक्शन में इसको, मिल्टन की पोएम्स की कलेक्शन में इसको छापा गया। मास्क आर फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, अभी बताया मैंने ये फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है, दैट वर पॉपुलर फ्रॉम द टाइम ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। कहानी तो पूरी मैं समझा ही चुका हूं, अब ये पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा एकदम, मास्क मास्क हो जाएगा, ये कमस कमस हो जाएगा दिमाग में आपके, हमेशा ही ले छप जाएगा। सेलिब्रेशन दैट वर पॉपुलर फॉर्म ऑफ टाइम ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में मास्क को बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया जाता था, एंड इंक्रीज्ड इन पॉपुलरिटी अंडर द स्टार्टर्स रॉयल फैमिली का नाम था जिस खानदान से संबंधित था, तो स्टार्टर्स की जब तक वहां खानदान रहा तब तक ये एलिजाबेथ एज में मास्क को खूब पॉपुलरिटी मिली। परफॉर्म इन द मास्क वर फ्रिक्वेंटली मेंबर्स ऑफ द कोर्ट एंड रॉयल्स, और उसमें जो कलाकार भाग लेते थे वो ज्यादातर मेंबर्स ऑफ कोर्ट रॉयल महल के लोग होते थे। अरे सर वहां पर सुने तो हमको क्या पता कि साउंड क्लियर है, अच्छा कॉलर का कमाल है, ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉलर में लगा ली, हम हाथ में पकड़ ले तो फिर ऐसे ऐसे कैसे करेंगे। Frequently members of royal court, Kamas is about a pair of brothers, एक भाइयों का जोड़ा, who along with their sister, who is referred to as lady, उस सिस्टर को जिसको लेडी की तरह यहाँ रिफर किया गया है, are lost in the woods, वो जंगल में खो जाते हैं। The lady grows tired and her brothers go searching for food, और वो खाने की तलाश में उधर निकलते हैं और लेडी जाती है थक, तो लेडी के थकने के बाद जब दोनों भाई तलाश में निकलते हैं खाने की, उसको एक जगह रोक के, while she is alone in the woods, तो वो जंगल में अकेले रह जाती है, she meets कमस, और वहां तभी कमस आ जाता है और वो दोनों भाई उसको कभी खोज नहीं पाते, यानी तीनों भाई बहन बिछड़ जाते हैं। Who is an immortal character inspired by the Greek god of revelry? Greek god of revelry, revelry के देवता की तरह उसको एक inspiring character की तरह प्रस्तुत किया गया। Immortal एक अमर character है, जैसे हमारे mythological characters हैं, उसी तरह कमस भी एक mythological character है जो देवता की तरह अमर माना जाता है। कमस has distinguished himself as a villager. कमस अपने आप को एक देहाती व्यक्ति के रूप में वहां पर प्रस्तुत करता है। He tells the lady that he will take her to the brothers. वो आता है और कहता है तुमको तुम्हारे भाइयों के पास में ले चलता हूँ। रावण जैसे भेष रख के आया था सीता को हरने के लिए, उसी तरह से वो भी आता है। Her brothers, she is taken by, बिल्कुल अमरीश पुरी वाली कहानी है, प्राण वाली कहानी है, पुरानी फिल्में आप देखते थे मिथुन चक्रवर्ती और प्राण वाली, कि तुम्हारा भाई वहां एडमिट है, चलो तुमको लेके चले और जीप में डाल के ले गए, उसी तरह से ये कहानी भी बिल्कुल उसी तरह से है। वो गांव वाले के वेश में आता है, कहता है तुम्हारे भाइयों के पास में तुमको ले चलूंगा। सी इज टेकन इन, उसे बंदी बना लिया जाता है बाय हिज पर्सनालिटी विच इज क्वाइट फ्रेंडली, और वह बंदी बन जाती है उस बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी के आगे जो विलेजर के रूप में कमस था
उसने इतना इतना प्यार से इससे कहा, फ्रेंडली नेचर से, कि उसकी पर्सनालिटी उस पर हावी हो गई फ्रेंडली नेचर से, और सी फॉलोज हिज लेड एंड फाइंड हरसेल्फ टेकन प्रिजनर एंड ब्रॉट टू द प्लेजर प्लेजर्स पैलेस, और फिर प्लेजर्स पैलेस में ब्रॉडल जैसी जगह वो थी, प्लेजर्स पैलेस का मतलब प्लीजिंग पैलेस, जहां सुख मिलता है, तो उसको ब्रॉडल कहा जाता है। तो ब्रॉडल जैसी जगह में वो अपने आप को पाती है, जहां पर और कई प्रिजनर्स वहां पर दिखते हैं बंदी बनाए हुए, वह पीछे पीछे जाती है और अचानक अपने आप को बेहोश पाती है, और जब होश में आती है देखती है सी वाज कैप्टिव, वह बंदी बन चुकी है और बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और भी लोग वहां पर बेड़ियों में जकड़े हुए उसको दिखते हैं। जादूगरनी से, चुड़ैल से मिलती है, सी इज प्लेस्ड ऑन द एन्चेंटेड चेयर, और वह चुड़ैल वह जादूगरनी भी वहां पर एक चेयर पर बैठाई हुई थी और चेन्ड की हुई थी, यानी चारों तरफ से उसके चेन बंधी हुई थी। कमस अटैक्स हर व्हाइल होल्डिंग अ वैंड एंड अ कप विद अ ड्रिंक टू ओवरपावर हर, वह उस पर आक्रमण करता है चुड़ैल पर, एक हाथ में प्याला लिए हुए पीने के लिए ताकि उसकी ताकत मजबूत हो जाए, और एक हाथ में जादू की छड़ी लेकर के उस पर आक्रमण करता है, टूट पड़ता है। कमस एनकरेजेस द लेडी, और फिर वह प्याला लेकर आता है और टूट पड़ता है, टूट पड़ने का मतलब यह है उसके पीछे पड़ जाता है कि ये लो प्याला, इसको बूस्टअप करने के लिए पियो, अपनी शक्ति को अपनी इंद्रियों को जगाने के लिए पियो। वास्तव में वो प्याला क्या था, फ्रॉम एन्चेंटेड कप, वह एन्चेंटेड जादुई प्याला था, और उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ था वो आपकी सेक्सुअल सेक्सुअल डिजायर्स को जगाने वाला था। द कप इज मेंट टू सिंबलाइज सेक्सुअली प्लेजर एंड ओवर इंडल्जेंस में पड़ने के लिए एग्री हो जाए, इसलिए वो उसको पुनः पिलाना चाहता था। शी रिपीटेडली रिफ्यूज टू ड्रिंक फ्रॉम द कप, वह लगातार रिजिस्ट करती है और उस कप को पीने से मना करती है। द लेडी इनवोक्स द वर्चू ऑफ चैस्टिटी, और वह अपने गुण की चैस्टिटी की पवित्रता के गुणों को जगाती है और उनकी मजबूती के पीछे उनको ढाल बना करके उससे लड़ने की कोशिश करती है कि तुम मुझे अपवित्र नहीं कर सकते। एंड टेम्परेंस एज अ रीजन टू अवॉइड द टेम्पटेशन दैट कमस ऑफर्स, और उन सारे टेम्पटेशन को वो नकार देती है जो कमस उसको ऑफर करता है। ये सारी बातें वो वहां पर विरोध के रूप में उससे कहती है, चैस्टिटी का महत्व बताती है। एट द पैलेस लेडी इज सराउंडेड बाय फूड्स एंड अदर थिंग्स डिजाइन्ड बाय स्टिर अप हर डिजायर्स, और चारों तरफ उसको ऐसे कमरे में वो रखता है, उस कमरे में सारी व्यवस्था वो करता है, तमाम सारे फल फ्रूट पकवान मेवा खाने पीने की चीजें और बहुत सारी चीजें जो उसको अलाउ करें, उसको इंचैंटमेंट के लिए, उसको आकर्षण के लिए, उसकी डिजायर्स को उकसाने के लिए वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है, उपस्थित करता है। इवन दाउ सीज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट हर विल, लेकिन फिर भी वो उससे अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़ी हुई थी। द लेडी डज नॉट फेल टू एम्प्लॉय राइट रीजंस, वो तर्कों के साथ अपनी बात को कहती थी, रीजनेबल तरीके से बात को कहती थी। एज सी कंटिन्यूज टू डिबेट विद कमस, और लगातार कमस के साथ वार्तालाप करके डिबेट करके अपनी चेस्टिटी के क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी, और उसी की ताकत से वो लड़ रही थी कमस के उन दुर्गुणों के खिलाफ। कालर का किला में नालायक तेज बोल रहे हैं, कालर का वहां बहुत बड़ा। विद कमस सी दस रिमेन्स फ्री ऑफ माइंड, और इसी तरह वो बिल्कुल मानसिक रूप से आजाद रहती है। इवन फिजिकली सी इज नॉट फ्री फ्रॉम बॉडी, वो शारीरिक रूप से वहां मजबूती से जकड़ी हुई थी, लेकिन वो मेंटली आजाद थी, वो उसका खुला हुआ था। कमस कंटेंडेड दैट व्हाट द आर्ग्यूज ही आर्ग्यूज फॉर सेडिटिव डिजायर्स आर नेचुरल एंड देयरफॉर, उसकी नेचुरल सेडिटिव डिजायर्स को वो बर्दाश्त करती रही इन हिज माइंड लीगल, और अपने दिमाग में वो उस बात को सोचती रही कि जो वो सोच रही वही लीगल है, ये सब गलत बता रहा है मुझे। द लेडी meanwhile retorts the applying rational self control is the only way to achieve enlightenment and to be virtuous in life, apne jeevan mein virtuous bane rehne ke liye guni bane rehne ke liye jo taakat usko andar se mil rahi thi wo puri taakat laga karke usko refuse kar di to achieve enlightenment, aur usko achanak ek anubhuti hoti hai andar apne pavitrata ki enlightenment gyan uska badh jata hai aur wo tarkpurn tarike se kamas ke har desire ka अच्छा पूर्वक जवाब दे रही थी, मजबूती से दृढ़ता के साथ जवाब दे रही।
The lady refuses to give up any of the base impulses on the might tempt a person, believing that to do so is to give one's higher nature over to self-indulgence. अपने आप को नीचे गिरा कर अपने गुणों को अवगुण अपने अवगुणों को गुणों पर सवार करने का उसका कोई इरादा नहीं था. वो पूरी तरह से अंदर से मजबूत थी और नॉट माइट टेम्प्ट, वो आकर्षण में भी नहीं फंस रही थी किसी पर्सन के, किसी भी चीज के, जो भी आसपास चीजें थी वो किसी भी आकर्षण बिल्कुल नहीं पड़ रही थी. अरे तो कोल्ड वेदर के हो, ऐसा जो सामने चल रहा है ऐसा वैसा ऊपर तुम्हारा लगवाए थे तुम गर्मी में, याद है एक दिन जब पसीना पोंछ रहे थे हम, याद है तुमको? तो कैसी भी शर्ट पहने अंदर देखो टी शर्ट भी वो भी पहने, ठंडक लग रही है पूरी तरह से. तो शर्ट ही देख लो ना लाइक हमारी. While the debate about virtue and vice is going on between the lady and Kamasidhar, वार्तालाप चल रहा है vice and virtue यानी अवगुण और गुणों के बीच में घमासान चल रहा है. उधर शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उसको गिराने के लिए, मानसिक रूप से दबाने के लिए, और उसको वो प्याला पीने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि उसकी डिजायर्स उत्पन्न हो और वह उसकी हो जाए और प्याला पीने के बाद आधी नर और आधी जानवर बन जाए और वह उसका शोषण कर सके. लेकिन वह मानसिक मजबूती और अपनी प्योरिटी, अपनी पवित्रता, अपनी चैस्टिटी, अपनी अपने गुणों के द्वारा लगातार उसका सामना कर रही थी. बिटवीन लेडी एंड कमर्स द लेडी ब्रदर्स कंटिन्यूज टू सर्च फॉर हर, और उधर उसके भाई लगातार उस बहन को खोज रहे थे जो खो गई थी. एज दे प्रोग्रेस जैसे आगे बढ़ रहे थे मीट विद द अटेंडेंट स्पिरिट, और तभी वो अटेंडेंट स्पिरिट से मिलते हैं. द अटेंडेंट स्पिरिट इज एन एंजल, वह एक देवदूत था, वह एक फरिश्ता था, एंजल था. That was sent to assist them, जो उसकी सहायता करने के लिए भेजा गया था, उनकी सहायता करने के लिए भेजा गया था. The angel takes on the form of shepherd and explains to the, और वह गड़रिये के वेश में उसके पास आती है, आता है, और the brothers को बताता है how to beat Kamat, कि किस तरह से Kamat को मारा जा सकता है. The brothers and the spirit are able to vanquish Kamat, और इस तरह से वो तीनों मिल करके vanquish कर देते हैं उसको, जीत लेते हैं, conquer कर लेते हैं उसको, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं. Meanwhile, the lady is still secured to the chair. अभी भी वो लेडी उस चेयर में बंधी हुई थी सुरक्षित. The spirit is able to use a song, summon Sabrina, the water of nymph, और फिर वह attendant spirit एक सुंदर सा गीत सुनाती है वहां पर, और वो गीत वहां कमस में दिया है. Sabrina जिसका नाम था, Sabrina को बुलाने के लिए, Sabrina क्या थी, वो पानी की फेरी थी, परी थी, उसको बुलाने के लिए खुशियों के गीत गाती है. Sabrina वेलकम गीत गाती है. Sabrina इज एबल टू इनविटेशन गीत गाती है, वेलकम गीत नहीं. Sabrina इज एबल टू फ्री द लेडी बिकॉज द लेडी हैज नेवर वेवर्ड फ्रॉम द कमिटमेंट टू वर्च्यू, और वह लेडी आकर के वह Sabrina आकर के उसको उसके बंधनों से आजाद कर देती है. और ये वजह ये थी कि उसके पीछे ताकत थी उसकी, चेस्टिटी की, उसके गुणों की, उसकी क्वालिटीज की, इसकी वजह से वो जिंदा थी. द सिबलिंग्स उसके भाई होते हैं रिटर्न टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास वापस आते हैं. एंड जॉयस सेलिब्रेशन फ्लोज एज वर्च्यू ट्रायम्फ, वर्च्यू जीत जाता है, और इसी वजह से ट्रायम्फ, वर्च्यू ट्रायम्फ हो जाता है, और इसी वजह से सब खुशियों के गीत मनाते हैं. अंदाज तो अपना अपना होता है, टीचर ही कहाँ मिले थे, हम तो ढूंढ रहे थे कहीं लिटरेचर का कोई मिल जाता, थोड़ा लोड हमारा कम हो जाए, हम ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दें थोड़ा सा, कहाँ कोई मिल रहा है एक ठीक ठाक बंदा, हम सोच रहे थे मिल जाता. वो कैब की तो ठीक चल रही है क्लास, और अभी हिंदू एडिटोरियल बहुत जल्दी शायद कल ही से क्लास चालू हो जाएगी. एक मैम मिल गई, लगातार मैं सर्च कर रहा हूँ अच्छे अच्छे टीचर्स को जो हमारे साथ जुड़ करके इस साधना को हमारे साथ जी सके. एक मैम है बहुत शानदार पढ़ाई आज हमने देखा आकर के, तो मैम शायद कल से हिंदू एडिटोरियल और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए इंग्लिश की वोकैबुलरी का पोर्शन स्पेशली कवर करेंगी, और हिंदू से ही वोकैबुलरी ज्यादातर एसएससी में आती है, बैंक में आती है, और जितने भी और एसएससी और बैंक की वोकैबुलरी रिटायर होकर के टीचिंग एग्जाम्स में आती है. ये क्रम हमेशा चलता रहता है, आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ. एसएससी के आप जितने भी पास पेपर में सारे तैयार कर लो तुम्हारा टीजी, ये होता है. और एसएससी में कहाँ से आते हैं, ये सब नॉर्मल लेविस से होता है. हिंदू हिंदू में कहाँ से आते हैं, नॉर्मल लेविस से, जड़ नॉर्मल लेविस से, जिसको आप पढ़े हो रिलेटेड खूब सारी चीजें.
ठीक है ना। हाँ, हिंदू एडिटोरियल बहुत जल्दी शायद कल ही से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिटर्न टू द पेरेंट्स एंड जॉयस सेलिब्रेशन फॉलोज एज वर्चू का, इसकी जो थीम है वो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है, जेंडर एंड सेक्सुअल डिजायर्स कॉमर्स की थी, तो उस लेडी के प्रति थी और कई लोगों के प्रति थी जो वहां कैद थे, बंद थे। और जेंडर की इक्वलिटी, और यहाँ पर क्या है, वो एक मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमर्स, और वह एक चेस्टाइड महिला, एक पवित्र महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जेंडर और सेक्सुअलिटी इसकी थीम, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना बेटा। लाइक मन करे तो कर दो ना, अपना पैसा तो देवे के हो भाई, पढ़ाई तो पढ़ाओ, तुम्हारा जो है तुम का तो लगाए हो पढ़ाओ के लिए, तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं लाइक करे हो तो कहा दिक्कत, हमका लाइक वाइक से कोई पैसा वैसा थोड़ी मिलता है, मन करे तो लाइक तो बैठ के देखो अपने करे जो, ज्यादा हम कह नहीं पाते लाइक करो लाइक करो, ये सब नहीं कर पाते। तो ये आपकी समझ में आ गई थीम क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉमर्स, placement of young woman in the woods by herself leaves her and her chastity vulnerable and objectification of women, objectification मतलब होता है object को पाने की, objectify करना, उसका एक लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य woman का लक्ष्य यहाँ पर represent करती है वो, and the representation of woman as victim of assault, पर जैसे कि हमारी संस्कृति में और हमेशा हर संस्कृति में women की assault का ऑब्जेक्ट बनती है, हमेशा उसी को प्रताड़ित किया जाता है, और यहाँ ये रेफरेंस किए गए हैं आपको, द स्टीरियोटिपिकल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, स्टीरियोटिपिकल का मतलब होता है सिंपल जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे कि सिंपल ही होते हैं, तो स्टीरियोटिपिकल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स यहाँ पर, महिला और पुरुष का, कमस और द लेडी का, जो आपस में बातचीत करते हैं कमस और लेडी। ये पूरी तरह से आपको मैंने समरी पढ़ा दी, इसमें 2-3 पॉइंट्स 4 और हैं, इनको आप बढ़िया से आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, फिर से एक बार सारी चीजें दोहरा लो, 1634 में लडलो कासल में एक मास्क को रिप्रेजेंट किया ना, मास्क। अब कमर्स से क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, तो है रे आए गए हैं का, दे दो बैठ जाओ, कमाई लोग तो बैठे काल कर था बात। चलो, पर्सन इसमें कौन कौन है, अटेंडेंट स्प्रिट है जो दोनों भाइयों को मिलती है और उनको कमस को मारकर वो लोग उड़ाते हैं, कमस अपने क्रू के साथ, ये पूरे हैं जो वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है ना, बोल बोल करके गाया जाता है, बोल बोल करके नाटक, तो ये क्रू है, लेडी है, फर्स्ट ब्रदर है, सेकंड ब्रदर है, दो भाई हैं, सबरीना द निम्फ ये भी इनवाइट की जाती है, इनवोक किया जाता है उसको, वो आती है और उसकी लेडी को उसके बंधन से आजाद करती है, द चीफ पर्संस विद व्हिच प्रेजेंटेड वर द लॉर्ड ब्रैकली जो वहां पर उपस्थित थे, थॉमस गर्टन हिज ब्रदर भाई और थॉमस गर्टन जो अर्ल थे वहां के, द लेडी एलिस गर्टन जो उनकी पत्नी थी, ये लोग वहां उपस्थित थे जब ये मास्क रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट ऑफ कमर्स है, मैंने कहा था टेक्स्ट को पढ़ के दिखाएंगे, देखो द फर्स्ट सीन डिस्कवर्स अ वाइल्ड वुड, पहला सीन खुलता है जंगल में, वाइल्ड वुड, अब देखो स्पेलिंग अलग है वाइल्ड, लेकिन ये वास्तविक स्पेलिंग तभी, अब यहाँ परिष्कृत होकर के स्पेलिंग WILD हो गई, पहले ये स्पेलिंग चलती थी, तो बहुत सारी परिष्कृत हुई है भाषा हमारी, मॉडिफाई हुई है, वैसे काफी चीजें स्पेलिंग पहले से और अब थोड़ा डिफरेंट है, शेक्सपियर के समय में और डिफरेंट, अभी के पैराफ्रेज करना पड़ता है मॉडर्न यूज, तो वही हाल यहाँ पर भी है, कहाँ सीन खुलता है जंगल में, द अटेंडेंट स्पीड डिसेंड्स और एंटर, वो आती है उतरती है वहां से यूं शूं करके ऐसे जंगल में उतरती है और यूं आकर के शुरू हो जाती है बोलना शुरू कर देती है, बिफोर द स्टारी थ्रेशोल्ड ऑफ जोविस कोर्ट माई मेंशन इज वेयर दोज इमॉर्टल शेप्स और ब्राइट एरियल स्प्राइट live inspired on reason middle of calm and serene air above the smoke and sphere of this dim spot which men call earth and with no thought and care, ये वो बोलना शुरू कर देती, यहाँ आस पास सभी मनुष्य और सभी प्रकार की वनस्पतियां जो ईश्वर की देन है और ईश्वर ने उनको बनाया, यानी आस पास के वातावरण का पूरा
चित्रण करती है. के बाद कन्फाइंड एंड प्रेजेंटेड इन द पिन फोल्ड हेयर स्ट्राइव टू कीप अ फ्रेल एंड फीवरिश बीइंग अनमाइंडफुल अनमाइंडफुल ऑफ क्राउन एंड वर्च्यू गिव्स आफ्टर दिस मॉडल चेंज टू हर सर्वेंट्स. तो उसको आप बढ़िया से पढ़िएगा अच्छे से. और अभी ग्रामर की क्लासेस के तुरंत बाद होने वाले है ना. राज जी आ गए, अभी अभी आके पहुंचे, घर में ही गए हैं, बैग वैग लाए हैं, तो इससे आए हैं. हमको लग रहा है ठीक है, थोड़ा एक क्लास करवा लेते हैं, फिर इनको छुट्टी कर देंगे, आराम करेंगे जाके. और कल से पूरी तरह जबरदस्त होगा मामला. अभी ऐप पे आ जाइए, ग्रामर की क्लास करवा लेते हैं, ठीक है ना. ग्रामर की क्लास हो जाए, चलो आ जाओ फिर ऐप पे. काम तो नहीं होगा.